ना पत्नी का लिहाज रखा ना बेटी का लाज। कन्हैया कुमार तो सियासी गलियारों के ऐसे प्रचारक निकले कि बेशर्मी की सारी हदें ही ताक पर रख दी। 37 साल के इस युवा को नेतागिरी का ऐसा भूत सवार हुआ है कि जेएनयू के कैंपस से लेकर चुनावी रण में ये या तो विवादों में रहे हैं या फिर उल जुलूल बोलकर नेताओं के घर की महिलाओं पर भाषणबाजी की है। ऐसा लगता है मानो वो जब जब भाषण देने निकलते हैं वो अपना तमीज घर छोड़कर आते हैं। कभी वामपंथी विचारधारा के पैरोकार और ढपली बजाकर लुभावने नारों से जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस के गलियारों में घूमने वाले कन्हैया के भाषण को सुनेंगे तो बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड्स टूटते नजर आएंगे। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को रील बनाने वाली कह दिया और अब उनकी बेटी को कांग्रेस के लाडले ने घसीट लिया है। लेकिन अब तक फिर भी कांग्रेस की आलाकमान मौन साधे बैठी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली नेता प्रियंका गांधी का ट्विटर भी इस वक्त चुनावी प्रचार से भरा हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ घटनाएं हुई जिस पर वाकई न्याय होना चाहिए उस पर कांग्रेस जमकर सियासत वाला गेम खेल रही थी। लेकिन जब बात अपने शहजादे की आई तो ऐसा लगा जैसे कांग्रेस का कुनबा अपने आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है। जुबान सबके सिले हुए हैं वरना कन्हैया कुमार देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बेटी पर कैसे टिप्पणी करने की हिम्मत रखते। आइए बताते हैं कि आखिर कन्हैया ने अब कौन सा बखेरा खड़ा कर दिया है, कैसे राहुल गांधी यहां बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी और हमने बोल दिया तो उन्हें बुरा लग गया, फिर फडणवीस साहब फूफा की तरह रो रहे थे। जी हाँ, ये बोल कन्हैया कुमार के हैं। यही नहीं, कांग्रेस के इस चहेते ने अब इससे भी दो कदम आगे भाषणबाजी की है जिसमें अब डिप्टी सीएम की बेटी पर भी बोलने से कन्हैया ने गुरेज नहीं किया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपने लाडले चेहरे कन्हैया कुमार को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए नया दांव खेला और उतार दिया और यहाँ कन्हैया भी उसे खूब भुनाने में लग गए। बीते दिन कन्हैया ने मुंब्रा की रैली के दौरान हाथों में डफली लेकर खूब नारे लगाए जो कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में खूब किया करते थे, या यूं कहे कि वो इसमें मजे हुए हैं। बीते दिनों कन्हैया कुमार एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अवहाड़ के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे लेकिन यहां उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के परिवार पर फिर भाषणबाजी की। वहां भीड़ थी, मंच पर कार्यकर्ता थे, चुनावी प्रचार हो रहा था लेकिन कन्हैया कुमार फिर सरेआम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बच्चों पर बोल गए, रीलबाजी का गाना फिर गाया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार प्रसार करने उतरे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बीजेपी पर धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाते रहे और लगा भी रहे थे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को रील बनाने वाली कह दिया। फिर क्या, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भड़क गए और जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से उनकी पत्नी को ट्रोल किया गया, उनके खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई, उस पर ट्रोलर्स को डूब मरना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी पत्नी के मीम्स बनाए गए, उनके बारे में बुरा भला लिखा गया। इस मामले पर कन्हैया की टिप्पणी पर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और इसे मराठी महिला की अस्मिता से जोड़ दिया। बहरहाल अब महाराष्ट्र चुनाव के बीच कन्हैया ने फिर से उप मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए हमले किए। इस बार वो उनकी पत्नी समेत परिवार पर बोलते नजर आए जहां उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है, तो इतना बता दीजिए कि आपका बेटा या बेटी भी चलेगा ना, यही सवाल किया था लेकिन उप मुख्यमंत्री फूफा की तरह रोने लगे, ऐसा कन्हैया कुमार कह रहे हैं। बहरहाल अब आपको बता दें कि कांग्रेस के शहजादे कन्हैया कुमार जिस अमृता फडणवीस पर ओछी बात कहते नहीं हिचकिचा रहे हैं, रीलबाजी की बात कर रहे हैं, शायद वो ये बात नहीं जानते कि डिप्टी सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस का यही पेशा है, वो एंटरटेनमेंट जगत से आती है। दरअसल अमृता फडणवीस एंटरटेनमेंट जगत में एक नामी चेहरा भी है, सब जानते हैं। यही नहीं, वो एक भारतीय बैंकर, गायक और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वही जिस बच्चों की बात यहाँ कन्हैया कुमार कर रहे हैं उन्हें शायद ये भी मालूम नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस की इकलौती बेटी दिजिवा फडणवीस अभी महज 15 साल की है लेकिन लगातार ग्लोबल वार्मिंग और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से जुड़ी रहती है। यही नहीं, दिविजा भी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। अब तक शायद दिविजा को ये पता भी नहीं होगा कि कन्हैया कुमार जैसे कोई नेता है या कार्यकर्ता है या किसी तरीके के ऐसे नामी चेहरे हैं कांग्रेस कुनबे से जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं।
बहरहाल अब आप कन्हैया कुमार की ये वीडियो सुन लीजिए जो काफी वायरल है। अभी मैंने डिप्टी सीएम साहब से पूछ लिया, डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है। हम अप लोग अपने स्कूल में एक प्रार्थना गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम शक्ति ईश्वर से मांगते हैं, हम धर्म से शक्ति लेते हैं। हम उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खुदा को शक्ति देने लगे, हम ईश्वर को शक्ति देने लगे। ईश्वर ताकतवर हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हमको अपनी रक्षा करने की जरूरत है। हमको अपना जल बचाना है, जमीन बचाना है, घर बचाना है, रोजी रोजगार बचाना है, और धर्म ही बचाना है। तो हमने यही पूछ लिया कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे। हमने कहा फूफा क्यों बन रहे हो यार, हमने क्या गलत पूछ दिया है? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया। हमने कहा कैसे हमला कर दिया भैया, हमने तो इतना ही पूछा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपके घर के लोग रील बनाएंगे, हमने इतना ही पूछा। अगर रील बनाना खराब बात है तो मत बनाइए, अगर रील बनाना अच्छी बात है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और रील तो हर कोई बनाता है, आजकल तो हर कोई रील बना रहा है, आजकल तो रेल मंत्री भी रील ही बना रहे हैं। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेल मंत्री है कि रील मंत्री है। हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे। हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं, और ये आंसू वो इसलिए निकालने वाले हैं कि पिछले 5 साल आपने लोगों के आंखों में आंसू दिए हैं, यहां के लोगों का रोजी रोजगार छीना, लोगों के घर छीन रहे हैं, यहां की फैक्ट्रियां बाहर भेज रहे हैं, यहां का काम धंधा दूसरे राज्य में पहुंचा रहे हैं, और बेशर्मों की तरह एक व्यापारी के साथ बैठ करके महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। ए महाराष्ट्र के आम आवाम, मेरा आपसे निवेदन है कि इन गद्दारों से मुकाबला कीजिए, जमहूरियत की ताकत से, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए। और एक बात को याद रखिएगा, हमारे एक भाई ने कहा कि हम बाय चॉइस यहां हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हम सब बाय चॉइस यहां हैं, बाय चांस यहां नहीं है, बाय चॉइस यहां पर हैं। लेकिन अब जब ये वीडियो हमने आपको दिखा दिया है तो सवाल उठता है कि राजनीतिक पार्टियां, तथाकथित नेता या फिर छुटपुट भाषणबाजी करने वाले कार्यकर्ता राजनीति या सियासत ना खेलकर ऐसे परिवार पर निजी हमले करते हैं, क्या ये सही है? घर की महिलाओं पर ओछी बातें कहते हैं, बदतमीजी की हदें पार करते हैं, ये कहां तक जाए? आपको क्या लगता है? हाँ, हो सकता है कि पार्टी का आलाकमान इनसे खुश हो जाए, टिकट भी दे दे, लेकिन ये कब तक चलेगा? आप अपने विवेक पर जरूर जवाब दें। जब गरिमा भूल जाते हैं ऐसे लोग तो इनके लिए क्या सजा की प्रावधान होनी चाहिए, ये भी आप बताइएगा। बहरहाल कन्हैया कुमार के इस वायरल वीडियो पर आप क्या कुछ कहेंगे वो तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अंत में एक और सवाल आपके लिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसे भाषणबाजी पर कोई एक्शन लेना चाहिए या कोई ऐसी रूल्स बनानी चाहिए, क्या उस पर कुछ कहना चाहिए या रोक टोक होनी चाहिए? ये सारे जो तमाम सवाल हमने आपको पूछे हैं उसके जवाब कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।